गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे जीनोमेटिक म्यूटेशन, और उसमें हमने देखा था हाइपो पॉलीप्लोइडी। पिछली बार हमने बात की थी हाइपो पॉलीप्लोइडी की, और स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, एन्यूप्लोइडी से। कहाँ से स्टार्ट किया था? एन्यूप्लोइडी से। एन्यूप्लोइडी मैंने क्या बताया था कि इसमें एडिशन या लॉस होगा ओनली सिंगल क्रोमोजोम का। इसमें क्या होगा भाई, हमारे पास 46 क्रोमोजोम है, तो 46 क्रोमोजोम है तो इसमें क्या होगा कि एडिशन होगा या लॉस होगा एक सिंगल क्रोमोजोम का। अगर एक सिंगल क्रोमोजोम का लॉस होगा तो कितना होगा, 45। एडिशन होगा किसी सिंगल क्रोमोजोम को तो क्रोमोजोम कितने हो जाएंगे, 46 से 47। लॉस होगा तो 46 से कितना हो जाएगा, 45। तो सिंगल या डबल क्रोमोजोम का क्या होगा, या तो एडिशन होगा या फिर क्या होगा, लॉस होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लोइडी। यूप्लोइडी में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें क्या होता है, पूरा जो बेसिक सेट है यूप्लोइडी, यूप्लोइडी में क्या होता है कि पूरा जो क्रोमोसोम का बेसिक सेट है, जैसे क्रोमोसोम का बेसिक सेट कितना होगा, 23 के दो सेट है, तो ये बेसिक सेट क्या होगा उसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, वो बेसिक सेट क्या होने लग जाएंगे, वहां पे बढ़ने लग जाएंगे। इसमें तो एक क्रोमोजोम बढ़ रहा है या घट रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरा बेसिक सेट बढ़ेगा या घटेगा, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, यूप्लोइडी। उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, यूप्लोइडी। और एन्यूप्लोइडी मैंने आपको क्या बताया था कि टू टाइप्स की होती है, एक होता है हाइपोप्लोइडी, हाइपोप्लोइडी, एक होता है हाइपरप्लोइडी। तो आज हम बात करेंगे हाइपरप्लोइडी की। आज हम किसकी बात करेंगे, हाइपरप्लोइडी की, क्योंकि हाइपोप्लोइडी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था। हाइपोप्लोइडी को हमने किस किस में डिवाइड किया था, हाइपोप्लोइडी का मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें क्रोमोजोम का क्या होता है, लॉस होता है। मींस 46 क्रोमोजोम है तो इसमें क्रोमोजोम को क्या होगा, 1 या 2 क्रोमोजोम को क्या होगा, लॉस होगा। तो क्रोमोजोम क्या हो जाएंगे, इसमें कम हो जाएंगे, किसमें, हाइपोप्लोइडी में। और हाइपोप्लोइडी के टाइप हमने क्या क्या देखे थे, एक हमने देखा था मोनोजोमी। मोनोजोमी में क्या था कि क्रोमोजोम कितने लॉस हो रहे थे, एक क्रोमोसोम का क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। 46 है तो वहां पे कितने हो रहे थे, 45 हो रहे थे। और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था टर्नर सिंड्रोम। क्या बताया था, टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद सेकंड क्या था, मोनोजोमी के बाद क्या था, नलियोजोमी। क्या था, नलियोजोमी। और नलियोजोमी में क्या था, क्रोमोजोम कम हो रहे थे, 2n-, वहां पे कितना हो रहा था, 2n-2। मींस पेयर में क्रोमोजोम दो एक साथ क्या हो रहे थे, यहां पे कम हो रहे थे। किसमें, नलियोजोमी में दो क्रोमोजोम एक साथ क्या हो रहे थे, दोनों क्रोमोजोम का पेयर में क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे थे स्टूडेंट, नलियोजोमी। और मैं बात करता हूं आगे डबल नलियोजोमी की। तो डबल नलियोजोमी क्या था, डबल नलियोजोमी की बात कर रहा हूं, तो यहां पे क्रोमोजोम दो कम हो रहे हैं लेकिन एक एक करके। भाई नलियोजोमी में तो सीधे दो क्रोमोजोम क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, लेकिन डबल नलियोजोमी में क्रोमोजोम यहां पे दो कम हो रहे हैं लेकिन एक एक करके वो क्या हो रहे हैं, क्रोमोजोम कम हो रहे हैं। और यहाँ क्रोमोजोम दो एक साथ कम होके पैर के रूप में क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोले, नलियोजोमी। और एक एक करके जहां कम हो रहे हैं उसको हम बोले डबल नलियोजोमी। तो जो हाइपोप्लोइडी है वो थ्री टाइप्स की है, कौन कौन सी, मोनोजोमी, नलियोजोमी और डबल नलियोजोमी। तो यहां क्या होगा, क्रोमोजोम का लॉस होगा, किसमें, हाइपोप्लोइडी में क्रोमोजोम का क्या होगा, लॉस होगा क्रोमोजोम का। भाई क्रोमोजोम यहाँ क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्योंकि मोनोजोमी में एक क्रोमोजोम कम हो रहा है, नलियोजोमी में दो क्रोमोजोम कम हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अल्टीमेट लॉस हो रहा है किसका, क्रोमोजोम का, किसमें, हाइपोप्लोइडी में। आज हम बात करेंगे हाइपरप्लोइडी की। तो हाइपरप्लोइडी क्या होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होगा कि क्रोमोजोम का क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहां हाइपोप्लोइडी में लॉस हो रहा है क्रोमोजोम का, तो हाइपरप्लोइडी में क्रोमोजोम क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे क्रोमोजोम नंबर, इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के नंबर क्या होंगे स्टूडेंट, यहां पे इंक्रीज होंगे। अगर क्रोमोजोम के नंबर इंक्रीज होंगे तो अगर 46 क्रोमोजोम है, अगर भाई यहां कोई बेसिक सेट इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ क्रोमोजोम का क्या होगा, नंबर इंक्रीज होगा, या तो एक नंबर क्रोमोजोम, या तो एक क्रोमोजोम इंक्रीज होगा, या फिर यहां पे दो क्रोमोजोम क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो अगर 46 क्रोमोजोम है तो यहां हो जाएंगे 47 क्रोमोजोम या 48 क्रोमोजोम, क्योंकि इंक्रीज होगा क्रोमोजोम का नंबर, तो उसको, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरप्लोइडी। इंक्रीज क्या होगा इसमें, क्रोमोजोम का नंबर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरप्लोइडी। अब इसके भी थ्री टाइप्स है। अब जैसे हाइपोप्लोइडी में मोनोजोमी, नलियोजोमी, डबल नलियोजोमी था, वैसे ही हाइपरप्लोइडी भी थ्री टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला आता है हाइपरप्लोइडी में ट्राइजोमी। क्या आएगा, ट्राइजोमी, क्या बोलेंगे इसको हम, ट्राइजोमी।
अब ट्राइजोमी में क्या होगा कि क्रोमोजोम कितने 46 है, 2n+1 का मतलब क्या है ट्राइजोमी में कि एक क्रोमोजोम क्या हो गया यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तो 2n हम 46 लिखते हैं, 46 क्रोमोजोम प्लस 1 तो यहाँ पे कितने हो गए 47 क्रोमोजोम किसमें ट्राइजोमी में। तो ट्राइजोमी में क्या हुआ एक क्रोमोजोम क्या हुआ इंक्रीज हुआ 2n+1 है तो 2n हम लिखते हैं 46 क्रोमोजोम हमारे पास, तो 1 क्रोमोजोम अगर बढ़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे 47। तो ट्राइजोमी का मतलब क्या हुआ कि क्रोमोजोम क्या हुआ इंक्रीज हुए, वो भी एक क्रोमोजोम क्या हुआ यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो 46 का यहाँ पे कितना हो गया 47, 2n+1 तो 46+1 बराबर कितना हुआ 47। तो ट्राइजोमी में क्या हुआ एक क्रोमोजोम क्या हुआ यहाँ पे बढ़ा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम। अब इसके एग्जांपल ध्यान रखना जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना एग्जाम्पल। सबसे पहला ट्राइसोमी का एग्जाम्पल आएगा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और ये पूछा जाता है एग्जाम में डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या है कि ये इसमें 21वां नंबर जो क्रोमोजोम है वो क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, 21 नंबर क्रोमोजोम क्या हो जाएगा उसमें एक क्रोमोजोम और बढ़ जाएगा, तो 21वें नंबर पे ट्राइजोमी बोलते हैं इसको हम। 21 नंबर पे ट्राइजोमी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि 21 नंबर क्रोमोजोम पे जो ट्राइजोमी है वो किस पे होती है, तो आप क्या एग्जाम वहां पे क्या बताओगे डाउन सिंड्रोम में। आपको ऑप्शन दिया जाएगा डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, तो आप क्या बोलोगे आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि 20 नंबर क्रोमोजोम में जो ट्राइजोमी होती है वो किस कंडीशन में हमें देखने को मिलती है, और वहां ऑप्शन मिलेंगे आपको डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, तो आप क्या बोलोगे डाउन सिंड्रोम, क्योंकि 21 नंबर क्रोमोजोम यहाँ पे क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो इसमें 21 नंबर क्रोमोजोम में ट्राइजोमी हमें देखने को मिलेगी किसमें डाउन सिंड्रोम में। तो ट्राइजोमी में क्या हो रहा है एक क्रोमोजोम बढ़ रहा है तो 21वां नंबर क्रोमोजोम बढ़ जाता है किसमें डाउन सिंड्रोम में। तो ट्राइजोमी हमें 21 नंबर क्रोमोजोम में किसको देखने को मिलेगी डाउन सिंड्रोम में। तो ट्राइजोमी का सबसे पहला एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे जो मैं तीनों एग्जांपल बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। और सेकंड जो एग्जांपल है वो एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होगा इसमें कौन सा नंबर क्रोमोजोम इंक्रीज होगा 18 नंबर क्रोमोजोम। तो इसको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि 18 नंबर जो ट्राइजोमी है 18 नंबर की जो ट्राइजोमी है वो हमें किस में मिलेगी, तो आप क्या बोलोगे एडवर्ड सिंड्रोम में, क्योंकि इसमें 18 नंबर क्रोमोसोम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो 18 नंबर की जो ट्राइजोमी होगी वो किस में मिलेगी हमें एडवर्ड सिंड्रोम में, किस में मिलेगी एडवर्ड सिंड्रोम में। और थर्ड एग्जाम्पल है पटाउ सिंड्रोम, क्या है पटाउ सिंड्रोम, और पटाउ सिंड्रोम में जो ट्राइजोमी है वो देखने को मिलेगी हमें 13 नंबर ऑफ क्रोमोजोम में, 13 नंबर क्रोमोजोम क्या होगा यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा, 13 नंबर क्रोमोजोम यहाँ पे क्या होगा एक्स्ट्रा होगा, तो 13 नंबर की जो ट्राइजोमी है वो देखने को मिलेगी हमें पटाउ सिंड्रोम में। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इनमें से तीनों में से एक जरूर पूछा जाएगा, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाइपरप्लोइडी में हमने सबसे पहला देखा कि इंक्रीज हो रहे क्रोमोजोम के नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, 46 क्रोमोजोम है तो वहां पे क्या हो रहा है 47 या 48 क्रोमोजोम हो रहे हैं। तो सबसे पहला इसमें जो इसका टाइप है हाइपरप्लोइडी का वो है ट्राइजोमी। तो ट्राइजोमी का मतलब क्या है कि एक क्रोमोजोम इसमें क्या हो जाता है बढ़ जाता है 2n+1 तो 46+1 बराबर 47। अब इसकी जो एग्जाम्पल है कि डाउन सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम क्या है कि 21 नंबर की क्रोमोजोम की ट्राइजोमी है वो, मींस 21 नंबर क्रोमोजोम क्या हो जाता है बढ़ जाता है, तो 21 नंबर की जो ट्राइजोमी है वो कौन है डाउन सिंड्रोम, ये आपको ध्यान में रखना है। एडवर्ड सिंड्रोम क्या है इसमें 18 नंबर का क्रोमोजोम क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, तो 18 नंबर की जो ट्राइजोमी है वो क्या है एडवर्ड सिंड्रोम। और थर्ड क्या है पटाउ सिंड्रोम, तो 13 नंबर जो क्रोमोजोम है वो क्या हो जाता है यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, तो 13 नंबर क्रोमोजोम की जो ट्राइजोमी है वो क्या है पटाउ सिंड्रोम। तो ये आपको ध्यान में रखना है डाउन सिंड्रोम 21 नंबर क्रोमोजोम, एडवर्ड सिंड्रोम 18 नंबर क्रोमोजोम, और पटाउ सिंड्रोम 13 नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ये आपको ध्यान में रखना है कि डाउन सिंड्रोम कहाँ होगा 21 नंबर ऑफ क्रोमोजोम, एडवर्ड सिंड्रोम कहाँ होगा 18 नंबर क्रोमोजोम, पटाउ सिंड्रोम कहाँ होगा 13 नंबर ऑफ क्रोमोजोम की ट्राइजोमी में। तो ये आप इतना आपको ध्यान में रखना है याद रखना है, आई होप कि आप इसको याद रख पाओगे। और आगे हम बात करते हैं सेकंड टाइप, सबसे पहला टाइप हमने क्या देखा इसका ट्राइजोमी, किस क्या देखा हमने ट्राइजोमी। अब सेकंड हम बात करेंगे
टेट्राजोमी, तो टेट्राजोमी भी आपको पता होगा। ट्राइजोमी में क्या हो रहा है कि एक क्रोमोजोम क्या हो रहा है यहां पे बढ़ रहा है, एक क्रोमोजोम यहां पे क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो टेट्राजोमी में क्या होगा यहां पे दो क्रोमोजोम क्या हो जाएंगे यहां पे इंक्रीज हो जाएंगे, दो क्रोमोजोम यहां पे क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे। तो टेट्राजोमी, मैं टेट्राजोमी की बात कर रहा हूं, सेकंड, फर्स्ट हमने ट्राइजोमी लिया, सेकंड हम ले रहे हैं टेट्राजोमी। तो टेट्राजोमी में क्या होगा कि 2n प्लस 2 मींस 46 क्रोमोजोम है, तो दो क्रोमोजोम यहां पे क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, एक साथ क्या होंगे पेयर में क्रोमोजोम क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो 2n प्लस 2 हो जाएगा, मींस क्रोमोजोम दो क्रोमोजोम यहां पे क्या हो गए बढ़ गए, एक साथ पेयर में क्या होंगे दो क्रोमोजोम बढ़ेंगे, तो 2n प्लस 2 मींस 46 प्लस 2 क्रोमोजोम, 2n कितना होगा 46, तो हमारे पास 46 क्रोमोजोम है, दो क्रोमोजोम एक साथ बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं टेट्राजोमी। तो यहां पे कितना हो जाएगा 48 क्रोमोजोम, कितना हो जाएगा 48 क्रोमोजोम। याद करिए नेल्यूजोमी को, नेल्यूजोमी में एक साथ दो क्रोमोजोम कम हो रहे थे और टेट्राजोमी में एक साथ दो क्रोमोजोम क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं। तो आपको ऐसे करके थोड़ा रिलेट करके ध्यान में रखना है चीजों को। और थर्ड होता है डबल ट्राइजोमी, डबल ट्राइजोमी, डबल ट्राइजोमी, वहां पे क्या थी डबल नेल्यूजोमी और यहां पे क्या है डबल ट्राइजोमी। अब डबल ट्राइजोमी का मतलब यहां पे क्या होगा कि क्रोमोजोम इंक्रीज होंगे 2n प्लस 1 प्लस 1, वहां डबल नेल्यूजोमी था तो क्रोमोजोम घट रहा था 2n माइनस 1 माइनस 1, मींस दो क्रोमोजोम घट रहे थे एक एक करके, और डबल ट्राइजोमी में दो क्रोमोजोम बढ़ रहे हैं एक एक करके, क्रोमोजोम क्या हो रहे हैं यहां पे बढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे 46 है तो 46 प्लस 1 प्लस 1, बढ़ तो दो ही रहे हैं लेकिन एक एक करके क्रोमोजोम क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो डबल ट्राइजोमी क्या होगा कि एक एक करके क्रोमोजोम का क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है, मींस दो क्रोमोजोम बढ़ रहे हैं लेकिन वो एक एक करके बढ़ रहे हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे डबल ट्राइजोमी। और टेट्राजोमी क्या बोलेंगे कि दो क्रोमोजोम एक साथ पेयर में क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे टेट्राजोमी। और डबल ट्राइजोमी हम किसको बोलेंगे कि एक एक करके क्रोमोजोम क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे डबल ट्राइजोमी। और वहां पे क्या पढ़ा था हमने डबल नेल्यूजोमी, मींस एक एक करके वहां क्रोमोजोम क्या हो रहे थे कम हो रहे थे, उस कंडीशन में हम डबल नेल्यूजोमी बोल रहे थे, यहां डबल ट्राइजोमी है तो एक एक करके क्रोमोजोम यहां पे बढ़ रहे हैं, वहां एक एक करके क्रोमोजोम कम हो रहे थे। सेकंड टेट्राजोमी है तो यहां पे दो क्रोमोजोम एक साथ बढ़ रहे हैं, वहां दो क्रोमोजोम एक साथ घट रहे थे नेल्यूजोमी में, और टेट्राजोमी में दो क्रोमोजोम एक साथ बढ़ रहे हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा एन्यूप्लोडी, एन्यूप्लोडी क्या है, एन्यूप्लोडी का मतलब क्या है कि क्रोमोजोम का एडिशन होगा या लॉस होगा वन या टू क्रोमोजोम का, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं एन्यूप्लोडी। एन्यूप्लोडी को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया, हाइपरप्लोडी और हाइपोप्लोडी, हाइपरप्लोडी और हाइपोप्लोडी। हाइपोप्लोडी भी आगे थ्री टाइप्स की होती है, वो मैंने आपको बताया था, क्योंकि क्रोमोजोम का यहाँ पे लॉस होता है। तो सबसे पहला होता है मोनोजोमी, मोनोजोमी में एक क्रोमोजोम का लॉस होगा। सेकंड होता है नेल्यूजोमी, दो क्रोमोजोम का लॉस होगा। थर्ड होता है डबल नेल्यूजोमी, वहां एक एक करके दो क्रोमोजोम का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। उसके बाद आता है हाइपरप्लोइडी, तो यहाँ पे क्रोमोजोम का नंबर क्या होता है इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले आता है ट्राइजोमी, वो यहाँ पे एक क्रोमोजोम बढ़ता है तो 46 का यहाँ पे क्या हो जाता है 47 हो जाता है। और एग्जाम्पल जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया, पहला क्या है डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर क्रोमोजोम की क्या होती है ट्राइजोमी होती है, मीन्स 21 नंबर क्रोमोजोम क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। और एडवर्ड सिंड्रोम में 18 नंबर क्रोमोजोम में क्या हो जाती है ट्राइजोमी हो जाती है, मीन्स 18 नंबर क्रोमोजोम क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा हो जाएगा। पटाउ सिंड्रोम में 13 नंबर क्रोमोजोम में क्या हो जाती है ट्राइजोमी हो जाती है, तो 13 नंबर क्रोमोजोम यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा हो जाएगा हो जाएगा। अब सेकंड क्या आता है यहाँ पे टेट्राजोमी, मीन्स दो क्रोमोजोम यहाँ पे क्या हो जाएंगे एक्स्ट्रा एड हो जाएंगे, 2n प्लस 2 46 प्लस 2 दो क्रोमोजोम पेयर में एक साथ एड हो जाएंगे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे टेट्राजोमी, एडिशन हो जाएगा यहाँ पे। डबल ट्राइजोमी में क्या होगा एक एक करके दो क्रोमोजोम यहाँ पे क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डबल ट्राइजोमी। और वहां पे क्या था नलियो, डबल नलियोजोमी था, वहां के क्रोमोजोम का कम हो रहा था, नलियोजोमी था, वहां एक साथ दो क्रोमोजोम कम हो रहे थे। तो आई होप आप थोड़ा सा रिलेट करके देखेंगे, आपको ये ध्यान में रहेगा, आप थोड़ा सा इसको अच्छे से देखना। थैंक यू, आइए हम नेक्स्ट में करेंगे।